बीते कुछ दिनों पहले हमने आपको राजस्थान वक्फ बोर्ड की लापरवाही से रूबरू करवाया था। याद दिला दूं कि आपको हमने शास्त्री नगर कब्रिस्तान की जर्जर हालत से अवगत कराया था। और आपको बता दें कि एक्सप्रेस न्यूज भारत की इस खबर से राजस्थान वक्फ बोर्ड अब हरकत में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में आवारा पशु एवं कुत्तों के द्वारा नोचे जा रहे शव को लेकर एक्सप्रेस न्यूज भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। एक्सप्रेस न्यूज भारत ने खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ने इस पर संज्ञान लिया। वहीं क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी ने कहा है कि कब्रों से शव को निकालने वाली घटना बेहद ही निंदनीय है और जल्द ही बच्चों के लिए एक बीघा जमीन सुरक्षित कब्रिस्तान तैयार किया जाएगा और जल्द ही कब्रिस्तान के अंदर तमाम कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में है और जल्द ही कब्रिस्तान के तमाम इंतजाम कर दिए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से शव की बेहुरमती न हो। वहीं वक्फ संपत्ति संरक्षण विंग ने भी इस मामले में बड़ी भागदौड़ की थी, जिसके चलते यह मामला सुर्खियों में आया। वक्फ संपत्ति संरक्षण के महामंत्री डॉक्टर शब्बीर खान ने बताया कि हमने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया था, जिसके बाद यह मामला मीडिया में चला और इस पर संज्ञान लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और स्थानीय विधायक ने जो वादा किया है वह जल्द ही इसको पूरा करेंगे। शास्त्री नगर कब्रिस्तान की सबसे पहले न्यूज 10 जनवरी को न्यूज 24 के माध्यम से उठाई, फिर उसके बाद में 13 जनवरी को हमने एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से उठाई। उसका परिणाम हमें जो भी मिला, अल्लाह ने जो दिया, अमीन कागजी ने उसमें 2 हफ्ते का समय दिया कि वो बाउंड्री करवा दी जाएगी और बच्चों के लिए कब्रिस्तान की 1 बीघा जमीन अलग दी जाए। लोगों ने मुझे बधाई दी, मैंने कहा कि बधाई इतनी इसमें ज़रूरी नहीं है और ये बधाई होती भी नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ जो सियासत कर रहे हैं, उन लोगों को एक बात और बता दूँ कि वो सियासत ना करें और हमारे विंग के साथ में मिलकर के काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। वक्फ संपत्ति संरक्षण विंग ने एक्सप्रेस न्यूज भारत की इस खबर को प्रमुखता देते हुए पूरी टीम का धन्यवाद किया है। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।